किसान भाई नमस्कार। मैं आपका दोस्त बदन सिंह राजपूत एक बार फिर अपने कृषि विलेज चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे कि चकोरी क्या होती है, चकोरी की खेती कैसे की जाती है, कितना मुनाफा है, क्या क्या चीज़, क्या क्या उर्वरक लगती हैं, क्या क्या दवाएँ लगती हैं, और चकोरी की खेती किस तरह से की जाती है, और बीज कहाँ से मिलेगा आपको, और ये बिकेगी कहाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा ज़्यादा की जाती है, नॉर्मल कम की जाती है, इसका रेट पहले ही निर्धारित हो जाता है, जब बोने से पहले ही जब कोई कंपनी इसका बीज देती है तभी इसका रेट निर्धारित कर देती है। इसमें फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादातर इसकी देखभाल नहीं करनी है, जैसे आवारा पशु हैं वो इसको खाते नहीं हैं, और कोई नुकसान होता नहीं इसमें, ज़्यादा दवाई दूरी आपको लगानी नहीं है, यानी इसकी देखभाल आपको ज़्यादा नहीं करनी है। ज़्यादा जानकारी के हम आपको उस किसान से मिलाते हैं जिनकी ये चकोरी है, और ये अभी उनकी चकोरी खुद रही है, तो आइए उनसे बात करते हैं। सर जी, ये मतलब आपने जब बोई थी तो कौन से महीने में बोई थी? नवंबर नवंबर में। तो नवंबर में ये बीज से बोई जाती है या फिर इसकी कंदन आती है? बीज ऐसे वही जाते हैं, फैलाई जाती है। तो 1 बीघा में कितना बीज लग जाता है? 100 ग्राम, 1 बीघा में 100 ग्राम सौ बीज लग ग्राम जाता है। सौ तो ग्राम बीज खुले मार्केट में मिलता है या कहीं से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत आती है ये? तो खुले मार्केट में नहीं मिलते, वैसे अच्छा, फिर जो डीलर हैं जाके बेच देता है, अच्छा जो जो इसको खरीदेंगे। खरीदेंगे, बेई बेई लेंगे और बेई छोड़ेंगे जाए। तो हाँ, इसमें दवाई दूरी कितनी लग जाती है आपकी दवा एक कोई बीघा नहीं में? लगाते, दवा का चूना अच्छा, इसमें दवाई कोई चीज, कोई ज़्यादा कोई दवाई नहीं लगती है, और मतलब रासायनिक जैसे DAP या खाद बाद और कितनी लग जाती है जितनी क्षमता हो आप? तितनी लगा ले, अच्छा, बीगा बोरी तक 100 ग्राम और बीगा स्टम्प पहले फैला हो जाता है, चकोरी बाई भी था पहले अच्छा, चकोरी बोने से पहले फैलाया जाता है, स्टाम्प फैलाया जाता है। तो ये कितने दिन की फसल है? 6 महीना की, 6 महीने छह की फसल महीना है। में तैयार रह पाते हैं। 6 महीने में ये किसान भाई, 6 महीने में ये तैयार हो पाती है। और बाबूजी, इसमें पानी कितने लग जाते हैं? आठ अच्छा, कम से कम 8 पानी लग जाते हैं। आठ सात मान ले, आठ सात आता है कम ना। 8-7 पानी लग जाते हैं। और इसकी मतलब 1 बीघा में निकलती कितनी है? 40 क्विंटल लेकर आए, 50 लेकर आए, 60 लेकर आए, 30 रह जाए, अच्छा, मतलब वो जैसे आपकी जाना जाए लागत के लगा के ऊपर है, वो हिसाब खेत के हिसाब से है कि खेत कितनी के, दम दे जैसे रहा है। खेत दम दे दे तित्ती लगा निकाल ले वाले। तो आपकी ये टोटल कितनी अभी मतलब चकोरी है? हाँ ये जाओ में 8 बीघा, अच्छा, 8 बीघा चकोरी है। तो अब इस टाइम इसके रेट क्या है? 435 ₹435 कुंटल। तो ये आपको वहीं बेचनी पड़ेगी जहाँ से आपने हाँ, बीज बीज खरीदा है, खरीदो बताइए, उसके अलावा कहीं बेच नहीं कोई सकते। खरीदे ना भाई हो न ले भाई, और जाकी कीमत ही को नहीं पता है का हुआ, और हम तो लोगन तो के मतलब का जो है भाई जो कीमत उनने कंपनी वालों ने निर्धारित कर दी वो ही। है, जहाँ तो 435 अच्छा, इसको जानवर जूनवर तो नहीं खाते कोई? कोई अच्छा, नहीं खाते, न पौ खाए न कछु खाए, इसकी खेती के लिए और कुछ कोई सावधानी बरतनी पड़ती है या नॉर्मल खेती की तरह हो जाती है? नॉर्मल है मान लो, सावधानी कछु नहीं बता नहीं पाते भाई, पानी टाइम आके अच्छा, पानी पानी नराई बराई। अच्छा, नराई दो तीन लग जाती है, दो लगाई दो तीन लगाई ले, 2-3 नराई लग जाती हैं, और दवाई दूरी कोई ज़्यादा खास कोई लगती दवा नहीं है। करता कोई नहीं, मत कतई दवा को तो कोई प्रयोग नहीं, जो खत्म हो जाए दवा मात्र के नहीं, दवा तो कूरो बादे मरे हो, जो पहले मत जाई खेत तो साफ मिले हो। अच्छा, दवा से मतलब ये दवा अगर आप मारेंगे ज़्यादा तो ये रिएक्शन कर जाती है, इस पे ये खराब हो जाएगी फसल, इसलिए खत्म बिना हो जाए दवाई कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है इसमें, दवाई दूरी का केवल स्टाम्प है। 100 ग्राम हो गया, पहले फैलाई भी तो पहले फैलाई दा हुआ, जो फैलाई दा कल कितनिया कर दाई और पशु चकूरी भाई दाई, बाकी गैस खत्म हो जाए, रहे न खेतों में गैस, जो कह जो बीज न मार हो जाए। और कोई ना है, और कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत चलो ठीक है, धन्यवाद सर जी। तो किसान भाइयों, ये छोटी सी जानकारी थी कि आप इसकी जानकारी के तहत इस तरीके से आप चकोरी कर सकते हैं, और ये एक एक चकोरी तकरीबन काफी भारी भारी है। बहुत वजन वजन होगा चाचा, है ना? ये देखिए, 1-1 किलो की तो होगी। और अरे 3-3 4 4 किलो लोग की हो जाती अच्छा अच्छा है, ये करीब 1 किलो से 2 किलो, 3 किलो, 4-3 किलो तक तो हो ही जाती है अगर अच्छा खेत हो। उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट में चकोरी काफ़ी अच्छे क्षेत्रफल में की जाती है, क्योंकि यहाँ ख़रीदार काफ़ी ज़्यादा हैं, कई कंपनियाँ हैं, छोटी छोटी कंपनियाँ हैं जो कि इसको ख़रीदती हैं।
अपना बीज देती हैं और कॉन्ट्रैक्ट फार्म के तहत इसको खरीदती हैं। इसका रेट निर्धारण पहले ही कर लिया जाता है। इसका प्रयोग कई दवाइयों में किया जाता है और मुख्यतः इसको कॉफ़ी, जो हम कॉफ़ी पीते हैं उसके पाउडर में इस्तेमाल किया जाता है। तो चकोरी एक काफ़ी अच्छी फसल है जो कि किसान के लिए अच्छा लाभ दे सकती है। अब तो एटा डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, अन्य जगहों पर भी इसके प्लांट लग चुके हैं। आप भी, अगर आपके ज़िले में इसका प्लांट है तो आप भी कॉन्टैक्ट करके इसकी खेती कर सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, केवल खुदाई पर ज़्यादा मेहनत करनी, एक दो नराई लगती हैं और पानी, सिंचाई। अन्य खेती की अपेक्षा आप ये चकोरी खेती कर अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। 6 माह की फसल होती है और ये गाजर की तरह होती है ज़मीन में, और इसका बीज भी गाजर के बीज की तरह ही होता है। ये 1 एकड़ में 250 कुंटल से 300 कुंटल तक आराम से निकल आती है, और अगर आप इसमें ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत और कर लेते तो इसका वज़न और भी बढ़ सकता है। तो किसान भाइयों, ये छोटी सी जानकारी थी चकोरी के बारे में। ये इसके देखो इस तरह से पत्ते होते हैं, जैसे कि आपके पालक के पत्ते होते हैं, इस टाइप के पत्ते होते हैं, और इस खेती में आपको नुकसान बिल्कुल नहीं होता है, ना ही आपके पशुओं से नुकसान होता है, ना ही और किसी चीज़ों से, ना ही आपके इसमें कीड़े लगते हैं, ना कोई रोग आता है, तो इस चीज़ के लिए बहुत अच्छी है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है, एक बार चकोरी अगर आपके क्षेत्र में इसका प्लांट है तो ज़रूर करके देखें, और साथ में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन घंटे को दबाना न भूलें। धन्यवाद।